छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो शौर्य का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। देवी शिवाई के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया था। उनका बचपन माँ जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता और उन्होंने बचपन में ही राजनीति और युद्ध विद्या की शिक्षा ली थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थायी संरक्षण दादाजी कोणदेव, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने से उनको स्थानीय दुर्गों और दर्रों की जानकारी हासिल हुई। कुछ लोगों का एक दल बनाकर उन्होंने 19 वर्ष की आयु में पूना के करीब तोरण के दुर्ग पर अधिकार करके अपना संघर्ष शुरू किया। उनके मन मस्तिष्क पर हमेशा स्वाधीनता की लहर होती थी। उन्होंने कुछ कर्मठ साथियों को संगठित किया। धीरे धीरे उनका विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प प्रबल होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सईबाई निम्बालकर के साथ सन 1661 में बेंगलोर में हुआ था। उनके गुरु और संरक्षण दादाजी कोणदेव की 1647 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शिवाजी ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। शिवाजी बचपन से ही उत्साही योद्धा थे। मावल साथियों के साथ शिवाजी खुद को मजबूत करने और अपनी मातृभूमि के ज्ञान के लिए सहयात्री पर्वतमाला की पहाड़ियों और जंगलों में घूमते रहते थे, जिससे वे युद्ध विद्या में कुशलता हासिल कर सके। 1645 में शिवाजी ने पहली बार हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा दादाजी नरस प्रभु के सामने पेश की। शिवाजी की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तानपुर से शासित दक्कन में थी। उन्होंने मुगल शासकों के दमन और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। शिवाजी ने अपने राजकीय जीवन की शुरुआत अपने पिता से प्राप्त जमींदारी से की थी, जो पूना, सूपा, इंदापुर और चाकड़ तक फैली हुई थी, जिसे मोकासा के नाम से जाना जाता था। इस प्रदेश की सीमाएं उत्तर में भीमा नदी और दक्षिण में नीरी नदी तक फैली हुई थी। 1646 से 1652 के बीच शिवाजी ने न केवल अपने इलाके की रक्षा की, बल्कि अपने राज्य के विस्तार का पहला चरण भी पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अनेक पर्वतीय दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इनमें 1646 में तोरण का दुर्ग, 1647 में सिंहगढ़ का दुर्ग, 1648 में चाकड़ का दुर्ग, 1648 में सूपा का दुर्ग जीत लिया। इसके साथ ही 1653 तक महाराष्ट्र में शिवाजी का स्वराज्य स्थापित हो चुका था। अपने अनुयायियों का दल संगठित कर शिवाजी ने 1655 में बीजापुर की कमजोर सीमा चौकियों पर कब्जा करना शुरू किया। जब 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने उनके खिलाफ अफजल खान के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना भेजी, तब शिवाजी का युद्ध कौशल दिखा। उन्होंने नाटकीय तरीके से विरोधी सेना को कठिन पहाड़ी क्षेत्र में बुला लिया और आत्मसमर्पण करने के बहाने एक मुलाकात में अफजल खान की हत्या कर दी। रातों रात शिवाजी एक अजय योद्धा बन गए। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसे वीडियो को रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। UPSC और अन्य परीक्षाओं के तैयारी के लिए आप द्रोणाचार्य IAS अकेडमी को नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।